हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2023 में रिलीज हुई रोंगटे खड़े कर देने वाली सुपर डुपर हॉरर मूवी इविल डेड राइज की फुल एक्सप्लेन्ड स्टोरी। बट आई वुड सजेस्ट, अगर आपका दिल कमजोर है तो ये स्टोरी रात में नहीं दिन में देखिएगा। बट अगर आपको चैलेंजेस पसंद है तो आप कभी भी देख सकते हो, क्योंकि फॉर श्योर ये स्टोरी आपकी नींदें उड़ाने वाली है। तो अपनी सीट बेल्ट कस के बांध लीजिए और चलिए अपनी होस्ट एंड दोस्त दीपांशी के साथ इस हॉरर यात्रा पर। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं तीन दोस्तों को, जिनका नाम था कैलेब, टेरेसा एंड जेसिका। ये तीनों शहर से दूर जंगल में आउटिंग के लिए आए हुए थे। अब टेरेसा लेक के किनारे बैठकर नोवेल पढ़ रही थी और कैलेब ड्रोन उड़ा रहा था। बट जेसिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो कॉटेज के अंदर ही लेटी हुई थी। अब टेरेसा जेसिका की तबीयत पूछने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन उसको सोता हुआ देखकर वो भी वहीं बैठकर अपनी नोवेल पढ़ने लगती है। फिर जेसिका अचानक उठकर बैठ जाती है और जो नोवेल टेरेसा पढ़ रही थी वो उसको बिना देखे डेमोनिक आवाज में पढ़ने लगती है। ये देखकर टेरेसा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो जैसे ही जेसिका के करीब जाती है, जेसिका उस पर हमला कर देती है और उसकी चोटी पकड़कर सारे बाल जड़ से उखाड़ देती है। अब खून में लथपथ टेरेसा कैलेब के पास जाती है, लेकिन जेसिका वहां भी आ जाती है और कैलेब का सर उसकी बॉडी से अलग करके उसको मार देती है। इट मीन्स जेसिका किसी बहुत ही खतरनाक डेमोनिक स्पिरिट से पजेस्ड थी। लेकिन इस सब की शुरुआत कैसे हुई और जेसिका की बॉडी पर इस शैतानी आत्मा का कब्जा कैसे हुआ, ये सब जानने के लिए हमें कहानी में एक दिन पहले जाना पड़ेगा। अब एक फैमिली को दिखाते हैं जिसमें एली नाम की एक लेडी और उसके तीन बच्चे होते हैं, जिनमें बेटे का नाम डैनी, बड़ी बेटी का नाम ब्रिजिट और सबसे छोटी बेटी का नाम कैसी था। एली की फाइनेंशियल कंडीशन जरा भी ठीक नहीं थी और 2 महीने पहले उसके हस्बैंड ने भी उसको छोड़ दिया था। पैसों की कमी की वजह से अब ये ऐसे अपार्टमेंट में रहते हैं जिसकी बिल्डिंग बहुत ही जर्जर हालत में है और वो कभी भी गिर सकती है। वेल, अब एली की सिस्टर बेथ उससे मिलने आती है। बेथ सभी के लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी और वो एली के हस्बैंड के लिए भी गिफ्ट लेकर आई है, क्योंकि वो नहीं जानती थी एली का हस्बैंड उससे अलग हो चुका है। इसके बाद घर का माहौल काफी टेंशन भरा हो जाता है और एली अपने तीनों बच्चों को घर के बाहर पिज्जा लाने के लिए भेज देती है, क्योंकि वो बच्चों के सामने उसके हस्बैंड की कोई बात बेथ से नहीं करना चाहती थी। अब बेथ के पूछने पर एली बताती है कि उसने बेथ से तब भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की थी जब उसका हस्बैंड उससे अलग हो रहा था और तब भी जब वे यहाँ शिफ्ट हुए थे, लेकिन शायद तुम अपने काम में इतनी बिजी थी कि तुम्हें मेरे लिए टाइम ही नहीं था। ये सुनकर उसको एली के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उससे माफी मांगती है। अब ये दोनों बातें ही कर रही थी कि तभी जोरों का भूकंप आ जाता है और तीनों बच्चे जो कि पिज्जा लेकर आए थे वो भी अभी कार पार्किंग में ही थे और काफी डरे हुए थे। भूकंप की वजह से पूरी बिल्डिंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी और वहां बहुत बड़ी दरार आकर एक होल बन गया था। अब यहां हमें ये बात भी पता चलती है कि इस जगह पर पहले एक बैंक हुआ करता था और ब्रिजिट के मना करने के बावजूद डैनी उस होल के अंदर चला जाता है। शायद उसको उम्मीद थी कि यहाँ उसको कुछ कीमती सामान मिल जाए जिससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा सुधारा जा सके। उसको वहाँ कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स और किताबें ही मिलती हैं और वहाँ पर कुछ होली साइंस और क्रॉस लटकाए हुए थे, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ तो बहुत पावरफुल इविल शक्ति है जिसको रोकने के लिए ये सब किया गया है। अब वहीं पर डैनी को कुछ टेप रिकॉर्ड्स और एक बुक मिलती है जिसको एक तरह से कल्ट रिचुअल्स करके दफनाया हुआ था और अब भूकंप की वजह से वो टूट चुकी थी और डैनी को मिल गई थी। और तभी वहाँ रखी हुई जीसस क्राइस्ट की मूर्ति नीचे गिर पड़ती है। डैनी अब उस बुक और रिकॉर्ड्स को लेकर बाहर आ जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं था। इधर एली अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और वो अपने पड़ोसियों से मदद भी मांगती है, लेकिन तभी तीनों बच्चे लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं और एली अपने बच्चों को सेफ देखकर चैन की सांस लेती है। इसके बाद डैनी अपने रूम में जाकर उस किताब को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई नॉर्मल किताब नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ नुकीले दांतों जैसी चीज से उसका मुंह बंद किया हुआ है और डैनी जैसे ही उसको खोलने की कोशिश करता है, एक नुकीला दांत उसकी उंगली पर लग जाता है और ब्लड निकल जाता है जिसकी कुछ बूंदे उस किताब पर गिर जाती है। अब शॉकिंग बात ये थी कि वो किताब उस खून को सोख लेती है और वो दांत भी खुद ब खुद खुल जाते हैं। इस किताब के अंदर कुछ भयानक तस्वीरें थी जिनको देखकर ब्रिजिट बहुत ज्यादा डर जाती है और किताब को बंद कर देती है और डैनी को ये भी बोलती है कि सुबह होते ही इस किताब को वापस वहीं रखाए जहां से लेकर आया है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है
इस बात से अनजान कि आज रात उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन डैनी अब और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और अब वो उन रिकॉर्ड्स को भी प्ले करने लगता है जो कि तीन पार्ट में था। पहला पार्ट जो कि फादर मार्कस ने रिकॉर्ड किया था, उसमें पता चलता है कि इस किताब का नाम बुक ऑफ डेथ है जो कि मांस से बनी है, और फादर इस बुक के रहस्य को जानने के लिए इसको ट्रांसलेट करना चाहते थे जिसके लिए वो चर्च से परमिशन मांग रहे थे। और अब पीछे से उनके किसी साथी की आवाज आती है कि ये एक श्रापित किताब है और इसकी वजह से शैतान तुम पर हावी हो चुका है। अब डैनी रिकॉर्ड का दूसरा पार्ट प्ले करता है जिसमें पता चलता है कि चर्च ने फादर मार्कस को उस बुक को ट्रांसलेट करने की परमिशन नहीं दी है, बट फिर भी वो इसको ट्रांसलेट करेंगे। फादर आगे बताते हैं कि इस किताब में कुछ मंत्र और रस्में लिखी हुई है जिनको पढ़ने से शायद इसमें छिपा हुआ शैतान बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा। और अब उस रिकॉर्ड में वो मंत्र भी सुनाई देने लगते हैं जिनको सुनकर डैनी भी घबरा जाता है और वो रिकॉर्ड को बंद करने की कोशिश करता है। काफी कोशिश करने के बाद भी डैनी रिकॉर्ड को बंद नहीं कर पा रहा था और वो सैटेनिक मंत्र बजते ही जा रहे थे और उस किताब के पन्ने भी खुद ब खुद पलटते ही जा रहे थे। और डैनी ये बात समझ गया था कि उसने ब्रिजिट की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब इन रिकॉर्ड में बजने वाले मंत्रों की वजह से वो इविल स्पिरिट्स आजाद हो गई है और एली पर लिफ्ट में ही हमला कर देती है। ये स्प्रिट एली को इतना टॉर्चर करती है, उसके सारे शरीर की हड्डियां तोड़ देती है और एली बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है। और एली की हालत बिल्कुल वैसी हो गई थी जैसा कि उस किताब में एक फोटो दिखाई गई है। और अब इनके घर की लाइट भी चली गई थी, लेकिन ब्रिजिट नोटिस करती है कि बाकी पूरी बिल्डिंग की लाइट आ रही है। इधर टूटी फूटी हालत में एली अपने घर आती है और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है और जोर जोर से हंसती है जिसको देखकर सभी डर जाते हैं। लेकिन शायद कहीं ना कहीं एली अभी उस इविल स्पिरिट से अपने अंदर लड़ रही थी और खुद पर थोड़ा कंट्रोल बनाकर वो बेथ से कहती है कि वो मेरे अंदर है और उसको मेरे बच्चों को मत लेने देना। और तभी बहुत सारी उल्टी करके वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब डैनी और बेथ एली को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो लिफ्ट काम कर रही थी और स्टेयर्स भी टूट चुकी थी। स्टेयर्स शायद भूकंप आने की वजह से टूटी थी, लेकिन लिफ्ट के खराब होने के पीछे इस डेमोनिक स्पिरिट का ही हाथ था क्योंकि भूकंप के बाद ये तीनों बच्चे उस लिफ्ट से ही ऊपर आए थे और तब वो ठीक ठाक चल रही थी। खैर, एली अब मर चुकी थी और ये दोनों उसको रूम में ले जाकर लेटा देते हैं। उनका पड़ोसी गैब्रियल उसकी आंखें बंद करता है, लेकिन वो अचानक आंखें खोल लेती है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और फिर से उसकी आंखें बंद कर देता है। खैर, अब एली के दोनों पड़ोसी मिस्टर गैब्रियल और मिस्टर फोंडा बिल्डिंग के पीछे वाले गेट से निकलने के लिए एक दरवाजा तोड़ने लगते हैं। इधर बेथ के फोन में एली का एक वॉइस मेल खुद से प्ले हो जाता है जिसमें वो बोल रही थी कि मैं जल रही हूँ, मुझे बचा लो, और फिर अचानक खुद से ही फोन की स्क्रीन पूरी टूट जाती है और तभी एली की आंखें खुलती हैं और वो उठकर बैठ जाती है। ये सब देखकर पहले तो बेथ घबरा जाती है, लेकिन फिर उसको लगता है कि शायद एली अभी जिंदा है। लेकिन उसका शरीर बहुत तप रहा था जिसको ठंडा करने के लिए वो बच्चों की हेल्प से एली को बाथटब में ले जाकर लेटा देती है। अब एली पूरी तरह से पोजेस्ड होकर अपने पूरे डेमोनिक रूप में आ गई थी और एक छलांग में ही बाथरूम की छत से जाकर चिपक जाती है और इतनी जोर से चिल्लाती है कि पूरे बिल्डिंग में उसकी आवाज गूंजने लगती है और फिर से बाथटब में छलांग लगा देती है। इसके बाद वो धीरे धीरे बाथटब में से निकलकर डैनी और बेथ की तरफ बढ़ती है। ये सीन बहुत डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सबसे पहले वो बेथ पर हमला करके कांच का एक टुकड़ा उसके हाथ के आर पार कर देती है। इसके बाद टैटू मशीन पर अपना ब्लड लगाकर उसको ब्रिजिट के फेस पर चला देती है। अभी डैनी चेयर से वार करके एली को ब्रिजिट से दूर कर देता है क्योंकि वो जानता था ये सब उसी की गलती की वजह से हो रहा है। इनकी आवाजें सुनकर गैब्रियल और पड़ोस के दो लड़के इनको देखने आते हैं, लेकिन एली गैब्रियल पर भी अटैक कर देती है और उसकी एक आंख को अपने मुंह से ही उखाड़ देती है। अब इन लड़कों को मारने के लिए जैसे ही एली घर से बाहर निकलती है, बेथ तुरंत घर का दरवाजा बंद कर लेती है। इधर एली के सामने जो कोई भी आ रहा था वो उसको मारती जा रही थी। तभी मिस्टर फोंडा अपनी गन लाकर एली को शूट करते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता और अब वो मिस्टर फोंडा को भी मार देती है। इधर डैनी बेथ को वो बुक और टेप रिकॉर्ड्स दिखाता है और उसको कहता है शायद ये सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। और दूसरी तरफ कैसी की मासूमियत का फायदा उठाकर एली उस गेट होल से उसको बहला फुसलाकर अपनी बातों में ले लेती है और दरवाजे का लॉक खुलवा लेती है, लेकिन डोर चैन लगी हुई थी इसलिए वो अंदर तो नहीं आ पाती, लेकिन कैसी का गला पकड़कर उसको मारने की कोशिश करती है। तभी डैनी और बेथ वहां आकर उसको बचा लेते हैं, लेकिन अब इनकी मुसीबत और बढ़ने वाली थी क्योंकि अब ब्रिजिट की आंख नाक और मुंह से काला गंदा लिक्विड निकलने लगा था और ये सब एली के ब्लड से मिले हुए स्क्रैच की वजह से हो रहा था। और ब्रिजिट की हालत भी अब उस बुक की दूसरी फोटो की
तरह हो गई थी। इसका मतलब था अब एक एक करके ये सारी फोटो हकीकत बनने वाली थी। और तभी ब्रिजिट को उल्टी होती है और बहुत सारे कीड़े मकोड़े उसके मुंह से निकलते हैं। और जब बेथ उसको देखने आती है तो वो पूरी तरह प्रोसेस्ड हो चुकी थी और कांच खा रही थी। और बेथ को देखते ही वो उस पर हमला कर देती है। इसके बाद वो भागती हुई कैसी के रूम में जाती है, लेकिन कैसी के हाथ में एक नुकीली छड़ी थी जो कि सीधा ब्रिजिट के मुंह से आर पार निकल जाती है। फिर वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है और डैनी उसको बेड से बांध देता है। अब डैनी इस बुक के सैटेनिक मंत्रों और फादर द्वारा बताई गई बातें बेथ को बताता है। तब बेथ उस रिकॉर्ड का थर्ड पार्ट सुनने के लिए बोलती है और डैनी को एक चाकू देकर कैसी के पास रूम से बाहर भेज देती है ताकि वो उन दोनों को प्रोटेक्ट कर सके, और खुद हेडफोन लगा लेती है ताकि इन मंत्रों की आवाज किसी और के कानों में ना पड़े और इन दोनों बच्चों को खतरे से दूर रख सके। खैर, अब बेथ रिकॉर्डिंग चलाकर सुनने लगती है इस उम्मीद में कि शायद उसको इन सब से बचने का कोई सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन एक तरफ एली घर के अंदर आने के लिए तड़प रही थी और दूसरी तरफ ब्रिजिट को भी होश आ गया था, और वो कैसी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन डैनी बीच में आ जाता है और उस चाकू को ब्रिजिट के पेट में घोंप देता है। लेकिन ब्रिजिट वो चाकू निकालकर डैनी पर ही उल्टे वार कर देती है और उसके मुंह पर वोमिट भी कर देती है, जैसा कि ये डेमोनिक स्प्रिट्स यूजुअली करती ही है ताकि सामने वाले बंदे को भी पजेस्ट कर सके। अब जख्मी डैनी ब्रिजिट को जला देता है और खुद भी मर जाता है। और अब एली भी वेंट पाइप के थ्रू घर के अंदर आकर बेथ के जस्ट पीछे खड़ी हो जाती है। बेथ इस बात से बेखबर हेडफोन लगाकर वो रिकॉर्ड सुनती जा रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर सामने मिरर पर पड़ती है जिसमें एली का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा था, जो कि बहुत ज्यादा डरा देने वाला मोमेंट था। अब वो बेथ पर हमला कर देती है और उसको जान से मारने ही वाली थी कि कैसी उसकी तरफ एक सीजर फेंक देती है। बेथ वो सीजर उठाकर सीधा एली के मुंह में घोंप देती है और कैसी के साथ घर से बाहर निकल आती है और मिस्टर फोंडा की गन उठा लेती है। लेकिन अब एली भी वहां पहुंच चुकी थी और वो उन पर फिर से हमला करती, इससे पहले ही बेथ उसको शूट कर देती है जिससे उसका हाथ और पैर कट जाता है। और अब वो फिर से कैसी की मोम बनकर कैसी को अपनी बातों में फंसाना चाहती थी, लेकिन इस बार कैसी उसकी बातों में नहीं आती है और उसको बोल देती है कि तुम मेरी मोम नहीं हो। अब इन दोनों के पास लिफ्ट के अलावा यहां से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था, और लिफ्ट में ही बेथ को कार की चाबी भी मिल जाती है जो कि एली से छूट गई थी। और अब एली के पास डैनी और ब्रिजिट भी आ जाते हैं, क्योंकि डैनी के मुंह पर ब्रिजिट ने खून की उल्टी कर दी थी जिसकी वजह से अब वो भी पजेस्ड हो चुका था। एली का हाथ और पैर उसके शरीर से अलग हो चुका था, इसलिए उसकी बॉडी को अपनी बॉडी के साथ एक तरह से मर्ज कर लेते हैं और एक भयानक रूप ले लेते हैं जिसके बहुत सारे हाथ पैर थे। और ऐसा ही एक फोटो उस बुक ऑफ डेड में भी दिखाया गया था। अब बहुत सारे हाथों पैरों के साथ वो वेंट के थ्रू लिफ्ट में भी घुसने की कोशिश करती है और लिफ्ट में बहुत सारा ब्लड इकट्ठा होने लगता है, इतना सारा ब्लड कि कैसी और बेथ दोनों उस ब्लड में डूब जाते हैं। और जब लिफ्ट खुलती है तो चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। अब ये दोनों कार में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कार का टायर भूकंप की वजह से आए एक क्रैक में फंस जाता है। अब बेथ पैदल ही कैसी को लेकर एग्जिट गेट की तरफ भागती है, लेकिन तभी एली वहां आकर कैसी को वापस अंदर खींच लेती है। अब बेथ तो बाहर आ गई थी लेकिन कैसी अंदर ही रह गई थी। बेथ चाहती तो वहां से अकेले ही जा सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है और कैसी को लेने के लिए वापस बिल्डिंग के अंदर आती है। इधर एली कैसी को मार पाती उससे पहले ही बेथ वहां आकर एली पर शूट कर देती है, जिससे एली अब कैसी को छोड़कर बेथ पर हमला कर देती है। और वो बेथ को एक बड़ी सी ग्राइंडिंग मशीन में डालकर मारने ही वाली होती है, लेकिन कैसी उस मशीन को बंद कर देती है। फिर बेथ को वहीं पड़ा हुआ चेनसो मिल जाता है जिससे वो एली को घायल कर देती है, और अब डिमोनिक एली को उस बड़ी सी ग्राइंडिंग मशीन में डालकर मार देती है, जिसके साथ डैनी और ब्रिजिट भी खत्म हो जाते हैं। और अब बेथ कैसी को अपने साथ लेकर उस बिल्डिंग से निकल जाती है। लेकिन क्या ये सब खत्म हो चुका था? तो आंसर है नहीं, क्योंकि वो किताब और रिकॉर्ड्स अभी भी उस घर में रखे हुए थे जो कि डेफिनेटली किसी और को मिलने वाले थे। और बेथ ने एली के शरीर को तो खत्म किया था, लेकिन वो डेमोनिक स्प्रिट अभी भी आजाद घूम रही थी किसी और के शरीर पर कब्जा करने के लिए। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो कि अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाने वाली थी और इसी बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर रहती थी, और ये डेमोनिक स्प्रिट अब इस लड़की को पजेस्ट कर देती है। और इस लड़की का नाम था जेसिका। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वही जेसिका है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, और इस डेमोनिक स्प्रिट से पजेस्ट होकर ही उसने अपने दोस्तों को मार दिया था। और यही मूवी का एंड हो जाता है, या यूं कह लो इविल डेड राइज की शुरुआत होती है। फ्रेंड्स, ये 2023 की मस्ट वॉच मूवी है। वेल, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। Till then, take care.